हमारे जो कस्टमर है उन्होंने, एक कस्टमर है उन्होंने बोला, बंसल जी एक जो आप आरओ बना दीजिए बढ़िया सा, और उसमें हैवी पंप लगा दीजिएगा जो काफ़ी टाइम तक ख़राब ना हो। हमारा पुराना आरओ है, 8-10 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बस सर्विस करा लेते थे हम, और बाकी उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कभी मोटर चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब जाके मोटर ख़राब हुई है। सो हमने उन्हें कहा कि हम आपका ई चेन या ग्रैंड फॉरेस्ट पंप लगा के दे देते हैं हैवी क्वालिटी में। सर का बजट अच्छा था, वो मतलब स्पेंड कर रहे थे कि हाँ मेरे को चीज़ अच्छी चाहिए उस हिसाब से, तो हमने उन्हें रिकमेंड किया कि हम ऐसे पंप लगा रहे थे जो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा वारंटी कितनी है, तो हमने कहा वारंटी तो सर इसकी बिल्कुल भी नहीं आती वारंटी, इम्पोर्टेड पंप है लेकिन हैवी क्वालिटी में है। वो तो उस बात पे कस्टमर जो है उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को ऐसा पंप दीजिए जिसकी वारंटी आती हो, क्योंकि देखिए आजकल हर पंप की जो कॉपर में आते हैं पंप, जो इंडिया मेड पंप्स है उनकी 2 साल वारंटी तो आती ही आती है। हर कंपनी का एक ना एक पंप ऐसा निकला हुआ हुआ है, लॉन्च किया हुआ है, जो कि 2 साल वारंटी में आता ही है। सो ये चीज़ अब उन्होंने कहा कि नहीं इनकी तो वारंटी नहीं है तो मैं लगवाऊँगा ही नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी कस्टमर्स का इशू रहता है कि हम ऐसा पंप क्यों लगाएं जिसकी वारंटी ही नहीं हो। सो मैं उस चीज़ का डिफरेंस आपको बताता हूँ क्यों वारंटी नहीं मतलब इसकी है। एक तो चीज़ रीज़न ये है कि इम्पोर्टेड पंप है, ये चाइना से इम्पोर्ट होते हैं ये पंप्स, और हम उसके बाद भी ये रिकमेंड क्यों कर रहे हैं क्योंकि हाई TDS पे भी ये पंप्स बहुत अच्छे चलते हैं, कॉपर वाइंडिंग में ही है। आपके लो TDS भी आप सोचोगे नहीं हमारे तो भाई लो TDS है 200-300 TDS ही, हम इतना हैवी पंप क्यों लगाए, तो वहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूँगा आप यही पंप लगाए अगर आपका बजट है, क्योंकि ये पंप्स थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, इम्पोर्ट भी होता है, फ्रेट भी लगता है, कस्टम ड्यूटी भी लगती है, टैक्सेस वगैरह सारे लगते हैं, जबकि इंडिया मेड पंप में कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें से फ्रेट बच जाता है, टैक्सेस में भी कहीं ना कहीं बच जाता है, तो इस वजह से बिलिंग में आपको पे नहीं करना पड़ता, बिलिंग का चार्ज जो टैक्स का अमाउंट है वो आपको पे नहीं करना पड़ता इंडिया मेड पंप्स में, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो सस्ते पड़ते हैं, और दूसरा आपको वारंटी मिल जाती है। लेकिन पंप्स में कहीं ना कहीं हमें देखने को कमी मिली है, जो कंपनीज़ है मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन 1 साल की वारंटी देती है, 2 साल की देती है, उनकी लाइफ 3-4 साल से ज़्यादा नहीं रहती, एक टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं, होते ये भी है लेकिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, 8-10 साल लाइफ रहती है आराम से एक नॉर्मली, कंपनी की तरफ से 8-10 साल लाइफ नहीं आती, मैं आपको बता दूँ, फैक्ट्री की तरफ से रिकमेंडेड 3-4 ईयर्स ही आती है, लेकिन जो जिनके लग रहा है उनके उनको मालूम है, आप लोगों को मालूम है कि हमारे पंप लग रहा है 8-10 साल हो गए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, जिनके लगा हुआ है चल रहा है बढ़िया, सो वो चीज़ हो जाती है। तो उनके अगर आप ये चीज़ आज के टाइम पे देखिए क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, रेट्स कम हो रही है, कॉम्पिटिशन के चक्कर में कंपनीज को रेट गिरानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ फैक्ट्री वाले कर रहे हैं। सो उस चक्कर में कहीं ना कहीं आपको ये है कि ये चीज़ जो है आपको कॉस्टली जरूर पड़ रही है, लेकिन चीज़ बढ़िया चलेगी, लंबे टाइम तक चलेगी। हैवी पंप से इनको उठाने से ही पता चलता है, कोई दूसरा पंप मैं इसके साथ में नहीं रख रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं किसी कंपनी का नहीं करना चाहता कि हाँ ये हल्का है या हैवी है। सो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेड पंप्स दिखाया है, और भी है, BNQS है, रुइनक्वान है, रुइक्वान का भी काफ़ी अच्छा पंप है, तो ये सारे के सारे हैवी क्वालिटी इम्पोर्टेड पंप्स आते हैं। सो इसमें रिस्क एक सिर्फ इतना है कि अगर कोई आपका 6 महीने में ख़राब हो जाए, 2 महीने में ख़राब हो जाए, वो एक बार का रिस्क जरूर है, लेकिन अगर आप स्पेंड कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यही पंप लगवाए, 8-10 साल तक कहीं नहीं जाते। इसको चेक करने का अच्छा इनको कि ओरिजिनल है कि नहीं है वो भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ईचेन के पंप जो जितने भी रहते हैं उनके हेड पे ईचेन लिखा होता है, यहाँ पे ये मैं आपको ये 150 दिखाया, ये 75 GPD दिखाया, देखिए हेड पे लिखा रहता है, इसमें 300 भी आता है, और इसी तरीके से ग्रैंड फॉरेस्ट का पंप है, देखिए हेड पे भी लिखा है और यहाँ बेस में भी लिखा हुआ है ग्रैंड फॉरेस्ट। सो इस टाइप से जो है आप इम्पोर्टेड पंप्स को लगवा सकते हैं। प्रेशर की बात करें तो इनका प्रेशर बहुत ज़बरदस्त रहता है और काफ़ी अच्छा प्रेशर रहता है दूसरे पंप्स के मुकाबले। कंपनीज़ ऐसा नहीं है, बना भी रही है, कोशिश करती है इसका मतलब कि इसका सेम क्वालिटी बनाने को, बट इनका जो ओरिजिनल जो प्रेशर रहता है इन पंप्स का जो, वो एक अलग ही रहता है, कोई इशू नहीं आता पंप्स में, फिल्टर्स में आगे फेंकने का भी और सक्शन का भी प्रेशर बहुत तगड़ा रहता है इसमें। सो प्रेशर जो है इसमें अगर आपको चाहिए, प्रेशर भी चाहिए, सपोज़ आपके फ़िल्टर्स लग रहे हैं काफ़ी सारे, 4-5 फिल्टर्स भी लग रहे हैं,
प्रेशर का इशू रहता है, आपके आगे से भी प्रेशर नहीं आ रहा, तो उस केस में भी आप इनको लगा सकते हो। और प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी, आगे से प्रेशर आ रहा है तो भी ये पंप्स होल्ड कर लेते हैं। तो कोई हर चीज़ हर तरफ से देखे, कोई भी इशू है आपको जो फेस करना पड़ता हो पंप्स में, इन पंप्स में प्रेशर का या कुछ भी कोई भी इशू है वो आपको फेस नहीं करना पड़ता। सिर्फ इतना सा रिस्क रहता है कि इनकी वारंटी नहीं आती, और अगर इसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता तो कंपनी की तरफ से वारंटी आती। लेकिन इतने साल हो गए, आज का आइटम नहीं है ये ईचेन ग्रैंड फॉरेस्ट, ये 10-10 साल पुरानी कंपनी से, 10 से भी ज़्यादा साल पुरानी कंपनी है, 15-15 साल हो गए इनको कंपनीज को, या उससे भी ज़्यादा हो चुके। सो इनमें कभी कोई इशू आते ही नहीं है, वो एक अलग बात है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपकी किस्मत वो कि आपने पंप लिया और वो ख़राब निकल गया, अदरवाइज़ इसमें कभी किसी को इशू नहीं आया। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये पंप्स रोज़ रोज़ ख़राब होने लग जाए तो सीधी सी बात है कस्टमर इसमें से अपना विश्वास हटा लेंगे। आज बड़ी बड़ी कंपनीज है यही पंप्स लगाती है और जो असेंबल्ड करती है और इसको ही लगा कर देती है, क्योंकि उन्हें विश्वास है इन पंप्स पे। वारंटी ना होने के बावजूद भी काफ़ी घरों में ये पंप्स लगे हुए हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि ये पंप्स भरोसेमंद है, क्वालिटी है इनमें, और कमर्शियल के हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया पंप्स रहते हैं। जैसे ईचेन का 150 या ग्रैंड फॉरेस्ट का 150 या 300 बहुत बढ़िया चलते हैं, बस एक वारंटी का इशू है। सो काफ़ी लोगों का सवाल था कि भाई हम क्यों लगवाएं ऐसा पंप कि वारंटी के बिना वाला। सो आप ऐसा नहीं है, आप ये लगवा सकते हैं, बहुत शानदार पंप्स होते हैं। बस थोड़ा सा रिस्क जरूर आपका रहता है कि हाँ भाई हमें 2 साल, एक बात आपको मैं आपको बता दूँ, अगर आपका पंप 2 साल के बाद ही ख़राब हो जाता है, मेरे पास केसेस आते हैं, हम 2 साल के पंप भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। और 2 साल के पंप एग्जैक्ट 2 साल के बाद ही, मतलब 2 साल 1 महीना हुआ या 2 साल 2 महीने हुए और वो पंप्स हो जाते हैं ख़राब, उसके बाद भी आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा आप रिस्क लेके एक बार ये चीज़ इम्पोर्टेड आइटम लगवा सकते हैं, और इम्पोर्टेड आइटम के क्वालिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना का माल है, देखिए एक माइंडसेट ये रहता है कि चाइना का माल अपन क्यों लगवाए, इंडिया मेड लगवाए, लेकिन काफ़ी कंपनी जो आर इंडस्ट्री में है सब इन्हीं पंप्स को लगवा रहे हैं, लगा के देते हैं। टोटल इंडस्ट्रीज खुद की जो मशीन असेंबल होती है उनमें भी यही लगता है। सो लेकिन क्वालिटी है तो है भाई, उसमें कोई नकारा नहीं जा सकता कि भाई चाइना का आइटम है, उसमें कोई वो नहीं है। चाइना से हल्के पंप्स भी आ रहे हैं, हल्की क्वालिटी के भी आ रहे हैं, तो हैवी क्वालिटी के आप लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2 साल के बाद खर्चा करोगे, आज ही थोड़ा सा खर्चा कर लो, इस पे एक्स्ट्रा सा थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर पड़ता है और रिस्क रहता है, लेकिन जो है इसमें कोई इशू नहीं आता। और जहाँ तक बात है, आप जहाँ से भी पंप ले रहे हैं वो आपको बंदा चला के चेक करवा के देगा ही देगा, तो उसमें आपका रिस्क वैसे ही ख़त्म हो गया कि चलता हुआ पंप आप अपने मशीन में लेके आ रहे हैं, तो उसमें कोई रिस्क वाली कोई बात रहती नहीं है ऐसी। आपको वीडियो पसंद आया हो और या फिर आपका इन पंप्स को लेके कोई और सवाल हो कि भाई हम फिर भी पंप नहीं लगवाना चाह रहे हैं कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं कि हाँ क्यों आप नहीं लगाना चाह रहे, हम आपके टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।